चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी दलों में तनातनी अब हिंसा में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मंगलवार को हिंसा हुई। कूच बिहार के दिनहाटा में झड़प हो गई। बड़ी खबर ये जान लीजिए आप, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की जानकारी है। झड़प में पुलिस अधिकारी का सिर वहां पर फूटा। आज टीएमसी ने दिनहाटा बंद का ऐलान किया है। दिनहाटा में यह झड़प केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच में हुई है। ये देखिए तस्वीर। दरअसल दिनहाटा में उदयन गुहा के जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था, तभी वहां से निशित प्रमाणिक का काफिला गुजर रहा था और इसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने वहां पर आ गए और उसके बाद इस तरीके से झड़प की तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल में सियासत, दिनहाटा में हिंसा, जिम्मेदार कौन? के चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी दलों में तनातनी अब हिंसा में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मंगलवार को हिंसा हुई। कूच बिहार के दिनहाटा में झड़प हो गई। बड़ी खबर ये जान लीजिए आप, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की जानकारी है। झड़प में पुलिस अधिकारी का सिर वहां पर फूटा। आज टीएमसी ने दिनहाटा बंद का ऐलान किया है। दिनहाटा में यह झड़प केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच में हुई है। ये देखिए तस्वीर। दरअसल दिनहाटा में उदयन गुहा के जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था, तभी वहां से निशित प्रमाणिक का काफिला गुजर रहा था और इसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने वहां पर आ गए और उसके बाद इस तरीके से झड़प की तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल में सियासत, दिनहाटा में हिंसा, जिम्मेदार था।